गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ। डियर लर्नर, वी आर लर्निंग यूनिट 3 डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम लोग इस चैप्टर में पेज नंबर 74 पर पढ़ेंगे, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस मतलब संयोग एंड प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। तो बारी बारी हम एक एक चीज़ों को पहले चांस के बारे में पढ़ते हैं। तो द वर्ड ऑफन कम अप इन आवर डेली लाइफ, तो ये दोनों शब्द हमारे जीवन में अक्सर आते हैं। वी ऑफन से हम अक्सर कहते हैं, देयर इज़ नो चांस ऑफ इट रेनिंग टूडे, आज बारिश होने की संभावना नहीं है। तो एंड आल्सो से थिंग्स लाइक, इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, तो ये संभावना है कि भारत वर्ल्ड कप को जीत जाए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स बट मोर कंसीडर द स्टेटमेंट। अब इन जो वाक्य दिए जा रहे हैं, इन वाक्यों की मदद से हम चांस और प्रोबेबिलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। द सन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो सूरज पश्चिम से निकलता है। एंड ग्रोविंग टू 3 मीटर हाइट, तो एक चींटी जो है वो 3 मीटर ऊंची होती है। इफ़ यू टेक ए क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम, अगर आप एक क्यूब जो घन है वो ज़्यादा आयतन वाला हो, वॉल्यूम वाला हो, इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर, तो उसकी साइड भी बड़ी होगी, लार्जर होगी। इफ़ यू टेक ए सर्किल विथ ए लार्जर एरिया, देन इट्स रेडियस विल बी आल्सो लार्जर, इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, जैसे ये कहा जा रहा है, द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, तो सूरज पश्चिम से निकलता है, तो इसकी संभावना है क्या कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो ये बिल्कुल इसकी संभावना नो चांस। द सन कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, सूरज के पश्चिम से निकलने की संभावना ना के बराबर है, नो चांस। एंड ग्रोविंग 3 मीटर हाइट, तो एक चींटी 3 मीटर ऊंची हो सकती है, इसकी भी संभावना नहीं है, तो एक चींटी 3 मीटर ऊंची हो ही नहीं सकती, उसकी ऊंचाई हो नहीं सकती। इफ़ यू टेक ए क्यूब ए लार्जर वॉल्यूम, तो एक जो क्यूब है, घन है, अगर वो आप बड़ा घन लेंगे, इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर, तो क्यूब का जो साइड होगा वो भी बड़ा होगा। ये बात सही है, इसकी संभावना निश्चित है कि अगर क्यूब बड़ा होगा तो उसकी साइड भी बड़ी होगी। इफ़ यू टेक ए सर्किल विथ लार्जर एरिया, तो अगर एक सर्किल की एरिया बड़ी है, देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी लार्जर, तो उसकी जो रेडियस है, उसकी जो त्रिज्या है, वो भी बड़ी है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये अगर उसका वो एरिया ज़्यादा है तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा, अगर उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका ये जो साइड है वो ज़्यादा होगा। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, तो जो भारत संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ये भारत जो है अगला टेस्ट सीरीज जीते। तो ट्राई दिस, करा थिंक ऑफ सम सिचुएशन, कुछ ऐसी परिस्थितियां सोचिए जिसमें एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ईच, 3 उदाहरण आप अपने से सोचिए, दैट आर सर्टेन टू हैपन, तो जो निश्चित रूप से होता ही होता है। सम दैट आर इम्पॉसिबल, जो जैसे सूरज पश्चिम से निकलना इम्पॉसिबल है, चींटी का 3 मीटर लंबा होना इम्पॉसिबल है, और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका होना निश्चित है, जैसे जो लार्जर एरिया है तो लार्जर रेडियस होगा, लार्जर साइड है तो लार्जर वॉल्यूम होना होगा। तो मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ऐसा है तो दूसरा ज़रूर होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो वही कह रहा है कि आप 3 उदाहरण एग्जाम्पल ऐसे सोचिए जो निश्चित रूप से होते हैं, दैट आर सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित रूप से होते हैं, सम दैट आर इम्पॉसिबल, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो असंभव हैं, एंड सम दैट मे आर मे नॉट बी हैपन, तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल
दोनों में से एक आ सकता है, तो उसमें या तो हेड आए या तो टेल आए, संभावना दोनों की आधी आधी है। तो हाफ जैसे आधी संभावना है कि वो हेड आए, आधी संभावना है कि टेल आए, तो हैव सम चांस ऑफ हैपनिंग। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनकी होने की संभावना है और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसकी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर चांस, चांस मतलब संयोग। इफ यू टॉस ए क्वाइन, यदि आप सिक्के को उछालिए, कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रेडिक्ट दैट यू विल गेट, तो क्या आप निश्चित रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार यही आएगा? ट्राई टॉसिंग ए क्वाइन, तो एक सिक्के का वो टॉस करिए, प्रेडिक्टिंग द आउटकम ईच टाइम, तो हर बार जो परिणाम आ रहा है उसको लिखिए। राइट द ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, ये आपको टेबल में लिखना है। डू दिस 10 टाइम, इसको 10 बार आप करिए। टू द एट द ऑब्जर्वेशन आउटकम, कैन यू सी द पैटर्न इन देम, व्हाट डू यू गेट आफ्टर ईच हेड। जैसे देखिए, ये पहली दूसरी बार, पहली बार जो फेंका गया टॉस तो हेड आया, दूसरी बार फेंका गया तो टेल आया, तीसरी बार फेंका गया तो टेल आया, चौथी बार फेंका गया तो हेड आया, पांचवी बार टेल आया, छठवीं बार टेल आया, सातवीं बार टेल आया, आठवीं बार हेड आया। तो वही कह रहा है कि व्हाट डू यू गेट आफ्टर ईच हेड, इज इट दैट यू गेट हेड ऑल द टाइम, क्या हर बार हेड ही आता है? रिपीट द ऑब्जर्वेशन फॉर अनदर 10 टॉसेज एंड राइट द ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, तो फिर 10 बार वो करिए, देखिए क्या कोई पैटर्न आपको मिल रहा है। यू विल फाइंड दैट द ऑब्जर्वेशन शो नो क्लियर पैटर्न, तो ऑब्जर्वेशन कोई पैटर्न नहीं है कि 2 बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या 2 बार टेल आएगा एक बार हेड आएगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। देखिए, जैसे एक बार हेड आया तो 2 बार टेल आया, फिर एक बार हेड आया तो 3 बार टेल आया, फिर एक बार हेड आया तो 2 बार टेल आया, फिर 1 2 3 4 5 बार क्या है, हेड हेड ही आया, फिर टेल टेल आया, फिर हेड आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 बार क्या आया, टेल ही आया। तो ये कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो सुशील ये कह रहा है कि यू ऑब्जर्व जनरेटेड इन 25 टॉसेस बाई सुशीला एंड सलमा, सुशीला और सलमा ने 25 बार वो टास्क किया। हियर हेड रिप्रेजेंट एच एंड टी रिप्रेजेंट टेल, तो यहाँ हेड और टेल का वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ऐसे ही वो नेक्स्ट में आपको ये समझाया जा रहा है कि जैसे वो डाई होती है, जो लूडो की डाई होती है, उसको अगर आप फेंकते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में समझाया गया है। अब ये कह रहा है कि जैसे टॉस आप क्वाइन 100 टाइम्स एंड रिकॉर्ड डू इन ए ग्रुप, तो ग्रुप में आप ये काम कर सकते हैं, टॉस ए क्वाइन 100 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द डाटा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स हेड एंड टेल्स अकर इन इट। तो आफ्ताब थ्रू ए डाई 250 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग टेबल, ड्रा ए बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। तो आफ्ताब ने वो डाई जो है, लूडो की डाई है, उसको 250 टाइम्स वो फेंका है, तो जैसे 1 कितनी बार आया है वो टैली मार्क बताया गया है, 2 कितनी बार आया उसका टैली मार्क, 3 कितनी बार आया उसका टैली मार्क, 4 कितनी बार आया उसका टैली मार्क बना है, 5 का, फिर 6 का टैली मार्क बनाए गए हैं, कितनी बार कौन सा नंबर आया है। थ्रो ये डाई 100 टाइम्स एंड रिकॉर्ड डाटा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम 1 2 3 4 6 आकर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? वी नो दैट व्हेन ए क्वाइन इज थ्रोन इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, एंड फॉर डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम। तो देखिए, जैसे जब हम क्वाइन को फेंकेंगे तो
तो उसकी दो पॉसिबल आउटकम है कि दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरा कुछ नहीं आएगा। जैसे जब हम क्वाइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन तीसरा कुछ आने की संभावना नहीं है। इसी तरह जब हम एक जो लूडो की डाई होती है उसको जब हम फेंकेंगे तो वो सिक्स पॉसिबल आउटकम, छः चीज़ें आ सकती हैं। वी आल्सो नो फ्राम एक्सपीरियंस दैट फॉर क्वाइन हेड और टेल इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। वी से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल इज इक्वल टू हाफ फॉर ईच। तो जब हम क्वाइन फेंकते हैं तो हम ये कह सकते हैं हेड या टेल आने की संभावना हाफ हाफ है, और जब हम डाई फेंकते हैं फॉर ए डाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल। दैट इज फॉर ए डाई देयर आर 6 इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम। वी से ईच 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैज 1/6 प्रॉबेबिलिटी। तो डाई का जो हम नंबर फेंक रहे हैं उसमें हर नंबर आने की जो प्रॉबेबिलिटी है 1/6 है। वी विल लर्न अबाउट दिस इन इन द लेटर क्लासेस। तो इसके बारे में और डिटेल में जो प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इट में परहैप्स वी ऑब्वियस द इवेंट दैट हैव मेनी पॉसिबिलिटी कैन हैव प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 और 1। तो अब एक्सरसाइज में आप करेंगे, देखेंगे टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें आपको ये बताना कि ये निश्चित रूप से सर्टेन टू हैपन या इम्पॉसिबल है या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित रूप से हो सकती हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो इम्पॉसिबल हैं, और कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। तो आप कह रहा है कि यू आर ओल्डर टूडे, आप उतने बड़े हैं देन यस्टरडे। तो यस्टरडे से जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ कल है उससे आज जो है आप बड़े हैं, ये बात कितनी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट हैपन। देखिए जो बीता हुआ कल है जो उससे आज हम, ये तो संभावना है कि कल से आज जो है हम बड़े ही हैं, तो उससे ओल्डर ही हैं, उससे ज़्यादा बड़े हुए हैं। जो कल कल जितने थे उससे आज, जैसे जो कल तक उम्र थी जैसे 18 साल 18 ईयर्स था, तो कल तक अगर मान लीजिए आपकी एज 18 ईयर थी, तो बीते हुए कल में 18 ईयर थी, तो आज 18 ईयर 1 डे हो गई ना, तो अब आप ओल्डर हो गए तो उससे बड़े ही होंगे, तो सर्टेन टू हैपन, ये क्या होगा? सर्टेन टू हैपन। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.4 में ये प्रोबेबिलिटी और चांस के बारे में दिया गया है, आप इसको अपने से सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।